तो हे गाइस, वेलकम टू बैक जी अदर व्लॉग्स। माय नेम इज आर्यन खान, दिस इज वॉचिंग चैनल इट्स आर्यन व्लॉग। तो कैसी मेरी यूट्यूब की फैमिली, बताना अपने अपने कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो की शुरुआत थोड़ी लेट से शुरू हो रही है और मौसम थोड़ा सा अभी ख़राब चल रहा है, तो इसीलिए मैं आउटडोर पर ही व्लॉग शूट करने के लिए आया था ताकि बैकग्राउंड थोड़ा सा सही आए। क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन के ऊपर फिर से होने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने मॉडिफिकेशन के और जो उसका सर्विस कॉस्ट था वो सारा चीज़ मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बता चुका है। बाकी अभी तो बारिश फाइनली रुक चुकी है और हमारी गाड़ी का कंडीशन भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कंडीशन है। गाड़ी को मैंने कल ही वॉश कराया था और वॉश कराने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग शूट कर लिया जाए। क्यों तो गाइस, आज का ये व्लॉग ना सिर्फ मॉडिफिकेशन के ऊपर फिर से होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे थे कि भाई आपने जो मॉडिफिकेशन करा रखा है वो उसका कॉस्ट कितना है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आपने जो ये प्रोडक्ट लगाया है जो भी, ये इसका सबका कॉस्ट कितना है। तो ये सब लोग हमेशा मेरे से डीएम में या फिर इंस्टाग्राम में पूछते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज पूरा रिव्यू बता देता हूँ अपनी बाइक में कि मैंने अभी तक के इस बाइक में कितना कॉस्ट लगाया इस मॉडिफिकेशन के लिए। बाकी बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है तो थैंक यू सो मच यार, ये सब आप लोगों का प्यार है। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आपकी बाइक बहुत ही अच्छी दिखती है, NS125 की टाइप बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो भाई अभी तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन अभी भी बाकी है, तो धीरे धीरे करके हम करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने जितना भी पार्ट्स लगाया है उसका कॉस्ट कितना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि भाई बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, तो इसीलिए हम जल्दी से व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट का लुक वाइज आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों के पास जो भी जितने भी बाइक्स हैं, R15 हो या फिर NS हो या फिर जो भी XYZ, सारे लोगों का मेन मॉडिफिकेशन होता है तो वो होता है उसका फ्रंट। तो फ्रंट से ही स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में मैंने अभी तक इस बाइक में सबसे पहले तो वाइजर, ये तो कॉमन चीज़ है गाइस, ये तो हर कोई अपने NS में लगा रखा है वाइजर। तो ये आता है 200 रुपीज़ का, अगर ये आप लोग ऑनलाइन भी चेक करोगे तो 200 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिलता है। ये वाइजर ही बस ना 200 रुपये का है। तो ये 200 रुपये का एक ये हो गया, और दूसरा फ्रंट में एक लाइट के नीचे में जो पार्किंग वाला बल्ब होता है इसको भी मैंने रेड स्टिकर करवा दिया है, रैप करवा दिया है। ये बल्ब नहीं है, ये स्टिकर है। तो मेरे रिकमेंड के हिसाब से बल्ब से अच्छा मेरे को यही लगता है, क्योंकि बल्ब गाइस बरसात में बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाता है और ये सबसे बेस्ट है। और मैं नहीं चाहता था कि बाहर कोई कनेक्शन कराऊँ मैं। और उसके अलावा यहाँ पर सबसे मेन मॉडिफिकेशन है, बहुत सारे लोगों को मेरा ये मॉडिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आ रहा है, तो वो ये है नंबर प्लेट। तो ये नंबर प्लेट के लिए मैंने क्या किया मैं आप लोग बता देता हूँ। ये पट्टी एग्जैक्ट आप लोग को कोई भी हार्डवेयर दुकान पर मुश्किल से 40 रुपये के अंडर में मिल जाएगा, और ये स्क्रू आप लोग को एजेंसी में मतलब 30-40 रुपये के ये मिल जाएंगे, मतलब कि 100 रुपीज़ के अंदर में आप लोगों का नंबर प्लेट वाला मॉडिफिकेशन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शॉकर प्रोटेक्शन, ये आप लोग को पता होगा कि NS में ये बहुत ही ज़्यादा केरला में बहुत चलता है ये शॉकर प्रोटेक्शन। इसके दो फायदे होते हैं, पहला तो ये कि इसका लुक वाइज थोड़ा सा अलग हो जाता है, और दूसरा ये कि ये प्रोटेक्शन करता है, मतलब कि भाई जो भी धूल मिट्टी आता है शॉकर को ख़राब होने से बचाता है। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, ये इसके फ़ायदे भी हैं। तो इसको भी मैंने इंस्टॉल करवा लिया। इसका भी प्राइस मैं आप लोग को बताता हूँ, इसका प्राइस है ऑनलाइन अगर चेक करोगे तो आप लोग को थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है ये कॉस्ट इसका 400 रुपीज़। लेकिन अगर आप लोग इसको कोई भी मार्केट में कोई भी मतलब ऑफ रोड की बाइक के नाम से अगर आप लोग इसको लेते हो तो ये कॉस्ट आपको कम पड़ेगा। मैंने इसको मार्केट से लिया है तो ये मेरे को 200 रुपये के अंडर में पड़ा है। तो बाकी अगर आप लोग भी अगर ऑनलाइन मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो आप लोग मार्केट में एक बार पता कर लेना मेरे रिकमेंड के हिसाब से। उसके अलावा फ्रंट में मैंने बस इतना ही बस कराया है, क्योंकि फ्रंट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया है यार। और आ जाते हैं हम लोग ग्राफिक्स, दूसरा पॉइंट है ग्राफिक्स, क्योंकि मेरी बाइक में सबसे ज़्यादा आप लोग को दिख रहा होगा तो वो दिख रहा होगा सिर्फ ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स का ही कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगा है मेरे को, मैं अभी तक बताता हूँ। ये मैंने अभी हाल ही में बनाया था, मतलब पिछले मंथ ही बनवाया था। ये है वुल्फ, ये वुल्फ स्टिकर मैंने गूगल से निकलवा कर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से खुद से कस्टमाइज़ करवा के एडिशन में बदलवाया था। तो ये है, और ये WP स्टिकर्स हो गया, और यहाँ पर मैंने अपना चैनल का नेम, यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स और चैनल का नेम फिर से, और मतलब जितने भी ग्राफिक्स रहा है ये टोटल मेरा ग्राफिक्स हुआ है तो 3000 रुपये के अंडर में हुआ है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट मेरा ग्राफिक्स में ही है, 3000 रुपये का पूरा ग्राफिक्स लगा है गाइस, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा। तो मैं आप लोग बताता हूँ, ये 700 रुपीज़ का सिर्फ ये है, और ये 100 रुपीज़ का, और ये 100 रुपीज़ का दोनों तरफ, और उसके अलावा
बहुत सारे ग्राफिक्स मैंने करा रखा है, कुछ कुछ ग्राफिक्स तो मैंने अभी अभी रिमूव कराया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था उस कारण से, और ग्राफिक्स के लिए ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगा है मेरा, तो वो लगा है 3,000 रुपये। तो मैं आप लोग को खुल के बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा यार। अलावा गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ, ग्राफिक्स तो मैंने बता दिया आप लोग को, 3,000 रुपये के अंडर में मैंने पूरा ग्राफिक्स कराया है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हैंडल में ये बहुत ही ज़्यादा चलता है, ये होता है बैम्बो ऑयल बॉक्स बोलते हैं इसको। इसका फुल सिस्टम भी होता है लेकिन मैंने इसका फुल सिस्टम नहीं कराया है क्योंकि NS125 में इसका फुल सिस्टम नहीं हो पाएगा बोले बहुत सारे टेक्नीशियन, तो मैंने भी ज़्यादा रिस्क नहीं लिया यार, तो मैंने इसे सिर्फ लुक वाइज के लिए लगाया था। तो ये मेरे को पड़ा था 1,000 रुपये के, दोनों बॉक्स पड़े थे मतलब कि 500 रुपीज़ की, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा था ये। और इसमें मैंने कूलेंट डाल के रखा है ताकि लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा आ सके। तो ये मेरे को 500 रुपीज़ का है। अगर आप लोग ऑनलाइन अभी चेक करोगे तो इसका रेट थोड़ा सा अभी डाउन हो गया है, मतलब कि ये आप लोग को 800-900 रुपये के अंडर में दोनों मिल जाएगा, सेट पर आता है। अगर आप लोग चाहो तो इसको विदाउट सेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर हैंडल में मैंने ये तो की रिंग नॉर्मल है, ये तो आप लोग को मार्केट में 20-30 रुपये का मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर विंग्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेकेड बाइक में बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन मैंने इसको इंस्टॉल करा के रखा है। ये है विंग्स, तो इसका प्राइस बहुत ही कम है यार। ये भी ग्राफिक्स है और ये विंग्स अलग से मैंने लिया था, ये दोनों तरफ सेट में आता है। तो इसका भी व्लॉग मैंने एक प्रॉपर बना रखा है, तो अगर आप लोग नहीं देखा होगा तो एक बार जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। तो ये जो विंग्स लगा है ये है मात्र 200 रुपये का, मतलब कि 100-100 रुपये का एक एक ठो है। तो ये विंग्स मेरे को बहुत ही पसंद आया तो मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था। तो ये भी अभी मार्केट पर इसका प्राइस नहीं पता है लेकिन अभी इसका ऑनलाइन प्राइस अभी बहुत डाउन हो गया है, तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, बहुत ही डाउन चल रहा है अभी इसका रेट। और उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग व्हील कवर में, तो व्हील कवर भी आप लोग देख सकते हो, व्हील कवर मैंने इंस्टॉल करवा दिया आगे पीछे दोनों, जो अभी बहुत ही हाल ही में ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका प्राइस कॉस्ट आता है अभी ऑनलाइन चेक करोगे तो 400 रुपीज़, और अगर मार्केट पर अगर इसको पता करोगे तो 300 रुपीज़ में आप लोग को मिल जाएगा। मैंने इसको मार्केट से लिया है, अगर आप लोग को मार्केट अगर आसपास है शॉप तो आप लोग मार्केट से भी ले सकते हो, और अगर नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। जो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है वो सारा मॉडिफिकेशन मैंने अभी अभी हाल ही में कराया था, लेकिन अभी भी आप लोग कमेंट्स मेरे को जरूर बताना यार कि आप लोग को भाई ये NS125 का मॉडिफिकेशन कैसा लगा। और ये कोरबा में सिर्फ नंबर 1 है गाइस कि मैंने इतना ज़्यादा इसको लोडेड कर रखा है। इसका एक प्रोडक्ट और आना बाकी है, वो उसको मैं आप लोग को हर व्लॉग में बोलता हूँ कि वो आने वाला है, लेकिन वो कुछ कारण से नहीं आ पाता है, क्योंकि कुछ कारण है, क्योंकि बहुत दूर से मैंने उसको ऑर्डर किया है। तो वो है इसका अंडरबेली को बस हम लोग इसको चेंज कराएंगे, क्योंकि अंडरबेली बस थोड़ा सा मेरे को इसका अलग लगता है। तो अंडरबेली हम लोग डोमिनार 400 या 250 या फिर 390 RC का मैं इंस्टॉल करूँगा, तो देखेंगे एक हिसाब से, क्योंकि भाई जो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके अलावा इसका टायर भी हम लोग आगे चल के इसका चेंज कराएंगे, क्योंकि टायर मेरे को पहले से ही बहुत ज़्यादा पतला लगता है, तो अगर ये टायर थोड़ा अच्छा घिस जाएगा तो हम लोग इसको बाद में चेंज करवा देंगे। और बाकी यही था मॉडिफिकेशन, ज़्यादा कुछ तो हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि भाई नंबर 1 मॉडिफिकेशन कर रखा है भैया आपने, और थैंक यू सो मच, आप लोगों को बाइक बहुत पसंद आती है। उसके अलावा सर्विस कॉस्ट और मॉडिफिकेशन कॉस्ट मैंने दोनों बता दिया है। मॉडिफिकेशन कॉस्ट 5,000 के अंडर में है मेरा पूरा मॉडिफिकेशन, जितना भी मैंने बताया आप लोगों को सब कुछ जोड़कर बताया है। और अगर आप लोग इसमें कम भी करा सकते हो तो कम में भी करा सकते हो, बट अगर मेरे जैसा पूरा मॉडिफिकेशन कराना है तो आप लोगों को 5,000 लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए दूसरे व्लॉग पर, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।